हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है डैंड्रफ के बारे में। तो क्या आप भी डैंड्रफ से परेशान हो चुके हैं? क्या आप भी बहुत सारे नुस्खे आजमा के थक चुके हैं? डैंड्रफ आपके बालों से जाने की नाम नहीं ले रही है? तो मैं आज आपके लिए ऐसी एक रेमेडी ले आई हूँ, इसको लगाने से सचमुच आपकी डैंड्रफ छूमंतर हो जाएगी। और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको बनाने में हमें कुछ सामान चाहिए होगा जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाएगा। सेकंड, ये बनाने में बहुत ही आसान है। एंड तीसरा, ये आसान होने के साथ साथ इफ़ेक्टिव भी है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है एंड ये आपके बालों पे 100% वर्क करेगा। अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद इसे लगाइए एंड इसका रिज़ल्ट देखिए। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है एक मीडियम साइज़ का नींबू एंड मैं इसे ऐसे कट कर लेती हूँ बीच में। नींबू जो है वो आप अपने बालों के हिसाब से ले सकते हैं, या अगर आपको डैंड्रफ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, अगर कम है तो कम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नींबू का आधा हिस्सा लिया है। तो चलिए, हम इसको एक बॉल पे अच्छे से निचोड़ के इसका रस निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं, मैंने नींबू को अच्छे से निचोड़ के इसका रस निकाल लिया है। यहाँ पर अगर आपका बीज गिर गया है नींबू का तो उसे आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट, हम यहाँ पर ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 चम्मच कोकोनट ऑयल। याद रखिए, आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल ही मिलाना है इसमें। तो बहुत सारे लोगों का क्या है कि मुझे पूछते हैं कि दीदी, जो हम घर पे खाने के लिए यूज़ करते हैं सरसों का तेल, वो ले सकते हैं क्या? नहीं, आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल ही लेना है, ठीक है? कोई सा भी कोकोनट ऑयल लो, लेकिन आपको लेना कोकोनट ऑयल ही है। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर ले रही हूँ विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बालों के ग्रोथ के लिए एंड आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पर क्या क्या ऐड किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नींबू का रस लिया एंड उसके बाद मैंने कोकोनट ऑयल लिया एंड उसके बाद मैंने लिया विटामिन ई। तो अब हमें क्या करनी है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें मिक्स कर लेनी है। तो चलिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। डैंड्रफ का जो ये प्रॉब्लम है, ये हमारे विंटर के मौसम में ज़्यादा होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों को ही होता है, बहुत सारे कम उम्र के लोगों पर भी ये पाई जाती है। जितनी जल्दी हो सके अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे तो ये बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा, आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा एंड कहीं कहीं से बाल कम भी होना शुरू हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसका इलाज कीजिए अच्छे से। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है इसको। इसके लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कॉटन। तो आप कॉटन को इस तरह से आप डिप कीजिए, उसके बाद आपको लगानी है ये आपकी रूट्स पे, जहाँ जहाँ पर आपको डैंड्रफ है, जहाँ जहाँ पर बालों पे ड्राइनेस फील हो रहा है आपका, आप वहाँ वहाँ पे अच्छे से कॉटन से आप इसे लगा लीजिए। लगा के क्या करनी है कि आपको अपने बालों पे हल्के हाथों से मसाज करनी है 10 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से बालों पे अब्सॉर्ब हो जाए
एंड गाइस आप इसे ओवरनाइट भी लगा के सो सकते हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे अपने बाल धोने के 3 घंटे पहले भी लगा सकते हैं। इसको आपको हफ्ते में 2 या 3 बार इस्तेमाल करना है, एंड उसके बाद आप देखिएगा आपका जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इसे स्टेप बाय स्टेप करनी है और लगातार यूज़ करनी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो पे। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।